ओके, लेट्स सी, अगर ग्रोथ प्लेट फ्यूज ना हुए हो तो दोस्त। ओके, सी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो ना हुए हो तो, सी हाइट बढ़ाना इज ऑलरेडी अ बिग टॉपिक एंड उस पर एक वीडियो आएगा अलग से, बट बेसिक चीज है, अगर आपके एपिफाइसियल प्लेट्स जो लॉन्ग बोन्स के एंड में एपिफाइसिस होता है, ये एक उम्र के बाद जाके फ्यूज हो जाते हैं, अगर वो फ्यूज नहीं हुए हैं तो जरूर जरूर ग्रोथ हॉर्मोन्स या उनसे इफेक्ट आएगा। अगर वो फ्यूज हो गए हैं तो ग्रोथ हार्मोन से या किसी भी दवा से, किसी भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से, किसी चीज से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। राइट, एक्सरे कराओ, देख लो, दिख जाएगा आपको, और आपके डॉक्टर बता देंगे ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हैं या नहीं, ऑर्थोपेडिशियन या रेडियोलॉजिस्ट बता देंगे। सो डू दैट, दैट इज अ गुड ऑप्शन। देन नमस्ते डिवाइन ग्लोरी, थैंक यू, एंड आई हैव स्वेलिंग इन माय एंकल्स बिकॉज ऑफ स्पर इन द हील, कैन स्वेलिंग बी रिड्यूस? यस, स्पर के ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाला है। स्पर इज बोन स्पर, बोन स्पर हील में या कहीं भी हो सकता है। बोन स्पर इज बेसिकली एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, बोन थोड़ी बढ़ गई है, बोन बढ़ जाती है तो बोन बढ़ेगी तो वो चुभ सकता है, अगर खासकर वो आपके हील पे है तो वो चुभेगा, बार बार उस पर प्रेशर आएगा तो पेन भी होगा, स्वेलिंग भी आएगी। थोड़ा रेस्ट दीजिए, कुशन, सिलिकॉन कुशन लीजिए, बहुत ही बड़ा बोन स्पर है तो ऑपरेट कराना पड़ेगा, छोटे बोन स्पर के साथ जी सकते हैं एडजस्ट करके। ऑर्थोपेडिशियन से बात करिए, इस पे अलग से एक वीडियो भी आएगा, बट आइडिया इज सिंपल, उस पे प्रेशर आ रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, हार्ड सरफेस है, स्वेलिंग होगा। ओके ओके, एंजियोग्राफी इन एलवीएफ 64% कंपलसरी है क्या? नो, नॉट एट ऑल। सी, हार्ट का पंपिंग पावर के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? हार्ट का काम है पंप करना, तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड भरेगा, जितना भरेगा पूरा का पूरा खाली थोड़ी हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली ऐसे ऐसे नहीं हो जाता, पंप करता है वापस आता है तो कुछ बच जाएगा ना। तो हार्ट, नॉर्मल हार्ट जो है 55-60% के ऊपर जितना भी भरेगा उतना पंप कर देगा बाहर, बाकी का थोड़ा बच जाएगा। सो दैट्स व्हाट इज द नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। 64% एब्सोल्युटली नॉर्मल है, 64% नॉर्मल है का मतलब है कि हार्ट जो है उसका पंपिंग पावर, उसकी ताकत प्रिजर्व्ड है। अब अगर आपके इस हाथ की बात, हार्ट की बात तो छोड़ो, ठीक है, हाथ की बात करूं तो इसमें एक ताकत है, अगर मैं ये उंगली थोड़ी कमजोर भी हो जाए तो भी हो सकता है कि इस हाथ में काफी हद तक सेम ताकत हो, राइट, यानी छोटा हिस्सा हार्ट का डैमेज हो जाए तो सेम ताकत हो सकती है, आई कैन स्टिल डू एनीथिंग आई वॉन्ट, राइट। लेकिन अगर मेरा मेन जगह अंगूठा खराब हो जाए तो इस हाथ में वो ताकत नहीं रह जाएगी, वो बात नहीं, दो तीन उंगलियां खराब हो जाए तो वो बात नहीं रह जाएगी, इसलिए पंपिंग पावर इज डिफरेंट और हार्ट की डैमेज इज डिफरेंट। कितना बड़ा डैमेज है उस पर डिपेंड करेगा, अगर ज्यादा डैमेज है तो पंपिंग पावर कम होगा, थोड़ा डैमेज हो सकता है, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, हार्ट के अंदर आर्टरीज होती हैं और आर्टरीज कहीं से भी ब्लॉक हो सकती है, किसी की भी ब्लॉक हो सकती है। जब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होती है तो शरीर में बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक होती है, बट हार्ट की बहुत छोटी होती है, एमएम में होती है, एमएम बहुत मिलीमीटर्स में, इसीलिए पहले वहां प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी और जगह भी होती है। लोग कहते हैं कि कान की जो एंड आर्टरीज होती हैं यहां पर भी क्रीज आ जाती है, वो भी इसलिए आती है कि जिसके छोटी छोटी आर्टरीज में ब्लॉकेज है हार्ट में है तो यहां भी हो रही है, अगर यहां है तो हार्ट में हो सकती है, इनवेरिएबल नहीं है बट हो सकती है, यहां पे एक निशान आ जाता है, छोटा सा लाइन आ जाती है एंड इस पे, वो भी एक कहते हैं लोग, आई मीन दैट इज ट्रू, रिसर्च हैज आल्सो शोन द रिलेशनशिप, बट ऐसा इनवेरिएबल नहीं, यहां है तो यहां होगा ही, लाइकलीहुड बढ़ जाएगा, सो दैट इज वन थिंग। सो एंजियोग्राफी इज नॉट कंपलसरी विथ 64% हार्ट पंपिंग पावर, लेकिन अगर आपका चेस्ट पेन है, सांस फूलता है चलने फिरने पे, एक्सर्शन पे खासकर सिम्टम्स हैं तो फिर जरूरी। एक वीडियो है मेरा, क्या मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, वो जाके देखिए और हार्ट के टेस्ट कराइए। हार्ट के टेस्ट का टोटली अलग सेक्शन है, हर एक हार्ट का अटैक अच्छे से समझाया हुआ है, हर एक टेस्ट, एवरी टेस्ट हैज बीन एक्सप्लेन इन डिटेल, डू वॉच दैट। इको वर्सेज ईसीजी, आई विल वॉन्ट एवरी वन टू वॉच इको वर्सेज ईसीजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स, सब आई मेक अ डायट वीडियो ऑन दैट। सो बाईपैप मशीन क्या है एंड बाईपैप, सी बाईपैप एंड सीप के अंदर जो इनहेल करते हैं हवा,
एयर वो फोर्सफुली डालते हैं। फोर्स से क्या होगा, सी जिनको अस्थमा है, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जिनको पल्मोनरी एडिमा है, जिनके छाती में पानी भर गया है, जिनके फेफड़े खराब हो गए हैं, वो फूलेंगे कम, कम फूलेंगे तो उनको प्रेशर देंगे तो फूल जाएंगे। कई बार प्रेशर देते फट भी जाते हैं, इसलिए सोच देखना पड़ता है किसको प्रेशर दें किसको ना दें। डॉक्टर्स वॉच इट, डॉक्टर्स डिसाइड किसमें ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है किसमें नहीं। छाती में पानी भर जाए तब तो जरूरी है, पानी भर गया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेशर से ऑक्सीजन दो, प्रेशर से ताकि वो पहुंचे तो सही, तभी तो ऑक्सीजन बैरियर से उधर पहुंचेगा जहां पे वो ऑक्सीजन खून में आएगा। सो बाईपैप इज बेसिकली ऑक्सीजन वो फोर्सफुली देते हैं, वो फोर्सफुली लगाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी सीपैप बाईपैप यूज होता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब वो सोते हैं तो उनकी जबान पीछे गिर जाती है, उनकी यहां से ही सांस की नली बंद होने लगती है तो उनको एपनिया हो जाता है, यानी सांस नहीं आना। उस केस में फिर वो क्या करता है, सीपैप इज ए कंटिन्यूस मशीन जो कंटिन्यूसली एक प्रेशर रखता है ताकि वो बंद ना हो, और बाईपैप इज बीच बीच में। सो दैट इज द डिफरेंस। सो वो दोनों का एक ये है बेसिक, बाकी बहुत सारे डिफरेंस और भी है। सो दैट इज द बेसलाइन ऑफ दैट। heavy menstruation suddenly from one year, I am a female of 45, बहुत important है, आप अपना test कराइए, बहुत जरूरी है। go to a gynecologist, get a ultrasound test, get tested for all the types of cancers, endometriosis and देखो 45 के age में it's very common, bleeding, abnormal bleeding को test कराइए, इट्स नॉट ईजी। पॉलिप्स हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो हैवी ब्लीडिंग इज अ साइन कि वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ से आगे बढ़िए, राइट। सो बी अ डिटेक्टिव ऑफ योर बॉडी, हेल्प, टेक हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, अ गायनेकोलॉजिस्ट, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, टेस्ट कराइए, आपके अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, उससे कोएगुलेशन प्रॉब्लम है, खून की कमी है, क्या प्रॉब्लम है कि ब्लीडिंग हो रही है, या डायरेक्टली यूट्रस के अंदर ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और 45 की एज में रिस्क होता है, तो कैंसर्स के भी टेस्ट कराइए, प्रिवेंशन इज बेटर। देखिए हो सकता है कुछ ज्यादा ना निकले, पर टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। हर चीज का इलाज है अगर सही समय पे उनको पकड़ा जाए, कैंसर भी अगर सही समय पे पकड़ लें तो ठीक हो जाता है, प्रॉब्लम यह है पकड़ ही नहीं पाते, हम टेस्ट ही नहीं कराते। दैट्स माय डॉग। ओके सर, नींद में चलने की प्रॉब्लम क्यों होती है? ओके दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। नींद में चलने की प्रॉब्लम क्यों होती है, सी इस पे तो मैं बात अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई विल आल्सो हैव टू डू अ रिसर्च ऑन इट, आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, बट स्टिल ठीक है। देन और क्या है क्वेश्चंस, लेट्स सी। Oh my God, it's been 45 minutes we are talking. I'll keep it in less than one hour, this one. इसको मैं एक घंटे से कम रखूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे लोग देख ही ना पाए, है ना, जो लोग आगे देखना चाहते हैं, that's very important. So we'll keep it less than one hour and then we will repeat next Sunday. That's not an issue. And if I've left any question, I'll answer shortly in my FAQ section video. So that's one of the reason why I kept this live section in this channel, because वहां मैं रखता तो 90,000 लोग लाइव आ जाते, तो क्वेश्चंस के आंसर देना मुश्किल हो जाता। प्लस वन थिंग इज दैट कि आई नीड पीपल टू कम हियर आल्सो, सो आई होप एवरीवन इज सपोर्टिंग मी, प्रमोटिंग दिस चैनल आल्सो। मेन चैनल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इस चैनल को भी सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए दोस्तों, बहुत जरूरत है इंडिया में हेल्थ लिटरेसी की, एंड वी डोंट हैव डॉक्टर्स हु आर विलिंग टू डू दिस हु व्हाट आई एम डूइंग। सो Q&A का आइडिया कैसे आया, Q&A का आइडिया तो देखो इट्स अ प्रोसेस। वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स एक्चुअली सजेस्टेड मी दैट टू स्टार्ट Q&A एंड इट्स गुड। प्रॉब्लम वाज दैट आई वाज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर टाइम, एंड टाइम है अब तो आई एम डूइंग इट, सो बट यस आई वांट टू डू इट रेगुलरली, सो वो किया जाएगा। तो दैट इज वन थिंग, Q&A इज थैंक्स टू अ सब्सक्राइबर हु सजेस्ट। So I do take every single comment very seriously. So if you suggest something, make sure that it's coming to my ears and I am taking it very seriously. And कोई test होता है जिससे cancer test कर सकें? Cancer के test होते हैं, बहुत test होते हैं। Every type of cancer has a marker. Cancer marker होते हैं, जिनके नहीं होते हैं उनके ढूंढे जा रहे हैं।
कैंसर मार्कर ढूंढे जा रहे हैं, मार्कर खून में आते हैं, अगर कैंसर है बढ़ रहा है तो उसका मार्कर होता है, बिकॉज कैंसर इज बेसिकली बहुत हाईली रेप्लीकेटेड, बहुत जल्दी जल्दी आपके सेल्स रेप्लीकेट हो रहे हैं, यानी एक ही जगह पे बहुत सारे सेल्स बनते जा रहे हैं जो नहीं बनने चाहिए। तो जब बन रहा है, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बाय प्रोडक्ट भी होते हैं, वो बाय प्रोडक्ट्स टेस्ट किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई एक सिंगल बाय प्रोडक्ट नहीं है जो पूरे शरीर में कैंसर्स ढूंढे, हर एक टाइप के कैंसर के लिए अलग बाय प्रोडक्ट है, इसीलिए डॉक्टर की जरूरत है टू असेस योर हिस्ट्री, योर सिम्टम्स, कि उसमें कैसे किस तरीके के आपके सिम्टम्स हैं और कौन कौन से कैंसर का आपको रिस्क है, ताकि उतने ही उन्हीं टेस्ट को किया जा सके। सो दैट इज वन थिंग। देन वी आर ऑन लाइव। सो गाइज, आई थिंक इतना काफी है। कोलेस्ट्रॉल्स पे वीडियो ऑलरेडी है एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई होप एवरीबडी हु वॉचेस दिस वीडियो ऑल्सो कम्स लाइव नेक्स्ट टाइम। सो वेलकम नेक्स्ट संडे, आई एम होपफुली इसी टाइम पे होगा, इफ वुड बी अर्ली आई विल टेल यू, बट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन। दोस्तों इस चैनल को प्रमोट करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मुझे बुरा लगता है जब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, एक्चुअली आई फील सैड कि आई ट्राई टू रीड ऑल द कमेंट्स, ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली एक लेवल के बाद ये पॉसिबल नहीं होगा और अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हायर अ टीम टू आंसर इन माय यू नो मेरी जगह, बिकॉज टीम की नॉलेज उतनी है नहीं है एंड ट्रेनिंग एवरीबॉडी इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई हैव टू थिंक अबाउट इट। राइट नाउ आई एम डूइंग इट विद अ स्मॉल टीम, आई हैव माय वाइफ एंड पीपल हु आर हेल्पिंग मी। सो धीरे धीरे आई नीड हेल्प फ्रॉम यू, एवरीबॉडी देयर हु कैन हेल्प, प्लीज हेल्प। इफ कोई भी सवाल ऐसा पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं दे चुका हूं, तो आप उन्हें वही सवाल का जवाब अगर दे दे सो मेहरबानी होगी, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू सेव माई टाइम, तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। इफ somebody इज आस्किंग रिपीटेड questions एंड आई हैव answered दैट questions बिफोर, प्लीज कॉपी दैट एंड पेस्ट इट इन दैट आंसर एंड टेल दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन answered, दिस इज द आंसर गिवन बाय डॉक्टर एजुकेशन, डॉक्टर परमजीत। सो दैट्स वॉट यू कैन हेल्प मी, एंड यू कैन हेल्प मी बाय ट्रांसलेटिंग इंग्लिश वीडियोज, अगर आपके पास समय है, अगर आप करना चाहें। सो इंग्लिश वीडियोज को हिंदी में, हिंदी वीडियोज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और मुझे उस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, वो पूरा टेक्स्ट। मैं उस कमेंट को फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि लोग जो नहीं समझते भाषा वो पढ़ लेंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड। सो दैट इज वॉट यू कैन डू, हेल्प मी आउट इन दिस। सो आई विल रियली अप्रिशिएट दैट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया के लिए। सो इट्स जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट। सो लास्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, आई एम देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो बाकी किसी को स्पेसिफिकली अगर कोई कमेंट का आंसर नहीं मिल रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करिए, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट, आई विल हेल्प यू आउट। एंड सारे लिंक्स, सारे जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, चैनल कवर पे दिए गए हैं, एवरी डिस्क्रिप्शन हैज माई डिटेल्स। अनफॉर्चुनेटली मुझे फोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं तो मुझे फोन नंबर मेरा हटाना पड़ रहा है, वो कुछ लोग कुछ वीडियो से मैंने हटा दिया, अब और हटाना पड़ेगा बिकॉज इतने फोन कॉल्स आई एम नॉट एबल टू वर्क, सो दैट्स वाई। बट स्टिल ऑनलाइन आप लाइब्रेट प्रैक्टो से जाके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, वहां से कॉल भी लगा सकते हैं। सो दैट्स वॉट यू कैन डू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड होप कि एवरीबडी विथ योर विल शेयर दिस वीडियो right after this to every single social media site, every single WhatsApp group you have, so that people know that somebody is coming live next time, next Sunday.